हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम अच्छे हैं और आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हम लाते हैं आपके लिए हमेशा अमेजिंग अमेजिंग रेसिपी। अमेजिंग रेसिपी देखना है तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और जुड़े रहिएगा हमेशा। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चले आज बनाते हैं स्पेशल रेसिपी। तो आज की रेसिपी क्या है, चलिए वॉच करते हैं। आज हम लेकर आए हैं चिकन कलेजी मसाला। बहुत अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। इसको पराठों के साथ खाइए या पूड़ियों के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। और राइस के साथ भी ये अच्छे लगते हैं। यदि आप साथ में दाल लेते हैं तो दाल, राइस और मसाला चिकन कलेजी, सो अमेजिंग, सो डिलिशियस। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना डिलीशियस लग रहा है ना? तो फ्रेंड्स चलिए आज हम वीडियो में आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताते हैं कि ये चिकन कलेजी मसाला कैसे बनता है इतना टेस्टी। और जो फ्रेंड्स नॉनवेज नहीं खाते हैं वो नाराज नहीं होना। नॉनवेज कलेजी की जगह आप सोयाबीन यूज कर सकते हैं और सेम टू सेम आप बना सकते हैं, बिल्कुल अमेजिंग टेस्टी। सोयाबीन के अलावा आप राजमा भी यूज कर सकते हैं, राजमा भिगोकर उसको स्टीम करके आप ऐसे बना सकते हैं। तो चले बनाते हैं चिकन कलेजी मसाला शेफ कृष्णा के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ ऑयल लिया है 1/2 कप, उसमें ऐड किया एक बड़ी इलायची और ऐड कर देंगे 3 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी इलायची। तो ये खड़े मसाले जो है जब तक चटकने ना लग जाए तब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते हैं। तो चलिए खड़े मसाले हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम 7 से 8 काली मिर्च और 1 1 इंच टुकड़ा हमने दालचीनी का ऐड किया। 2 बे लीव्स यानी तेज पत्ता हमने ऐड कर दिया, एक और ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। तो 3 तेज पत्ता हमने ऐड किया, 4 से 5 हमने लौंग ऐड कर दिया। तो ये खड़े मसाले देखिए चटकने लग गए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जीरा यानी क्यूमिन सीड्स। तो जीरा भी चटकने लग जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक। तो देखिए इन मसालों को चटकने दें, इनका फ्लेवर अच्छे से ऑयल में एब्जॉर्ब होने दें। तो हमने 1 kg लिया है कलेजी, चिकन कलेजी। ये देखिए हमने ऐड कर दिया यहाँ पे चॉप किया हुआ जिंजर यानी अदरक। तो कितना अदरक ऐड किया हमने, 1.5 इंच टुकड़ा अदरक ऐड किया हमने। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं खूब सारा लहसुन। लहसुन खूब सारा ऐड कर रहे हैं क्योंकि कलेजी में बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है जब लहसुन और अदरक आप थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। तो हमने चॉप किया हुआ तकरीबन 1/4 कप हमने ऐड किया यहाँ पे गार्लिक यानी लहसुन। अब अदरक और लहसुन को हम ये खड़े मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे, इसका कच्चापन जो रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए तब तक हमें भूनना है। लेकिन ध्यान रखें कि जब इसको आप फ्राई करें तो जो फ्लेम है वो मीडियम रहे। तो हम आपको बता रहे थे कि हमने 1 किलो कलेजी लिया है चिकन कलेजी, उसको अच्छे से हल्के से गुनगुने पानी में हमने धोया है। और अब देखिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ऑनियन। कितना ऑनियन ऐड करना है, ऑनियन भी खूब सारा जाता है। हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप चॉप ऑनियन ऐड किया, जिसमें कितना ऑनियन लगा, इसमें 4 से 5 ऑनियन लगा मीडियम साइज। तो इतना ऑनियन हमने इसमें ऐड किया। अब इसको हम मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेंगे।
सब का रॉ फ्लेवर निकल जाए तब तक हमें इसको भुनना है। तो भुनाई तो बहुत जरूरी है। हमने जो कलेजी है उसको अच्छे से गुनगुने पानी में वॉश करके अच्छे से बिल्कुल उसका जो एक फ्लेवर होता है, जो एक अलग स्मेल होती है, उसको निकल जाने दिया। तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था हमने। तो कलेजी हमारी अच्छे से धुल के रेडी है और यहाँ हम तैयार करें मसाला। तो देखिए, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर और खड़े मसाले, अभी यही मसाले डाले हैं हमने, तो इनको अच्छे से भुनने दें। 1 किलो कलेजी के हिसाब से हम यहाँ मसाले ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, धीमे धीमे मीडियम फ्लेम पे ये मसाले हमारे भुन रहे हैं। खूब अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम अमेजिंग सी खुशबू आ रही है पूरी किचन में। और ये मसाले हमारे अच्छे से भुनते जा रहे हैं। इन मसालों को भुनने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में ये इसका कच्चापन निकल जाएगा, तब तक हमें मीडियम फ्लेम पे इसको भुनना है। तो देखिए, मसाले हमारे भुन रहे हैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, और हम जो कलेजी है उसको भी रेडी कर रहे हैं। और साथ में अब हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले। ये देखिए, इन मसालों का कच्चापन निकल जाए तो हम बाकी मसाले इसमें ऐड कर दें। तो सॉफ्ट हो गए हैं ऑनियन और जिंजर और गार्लिक अच्छे से भुन गए हैं, गोल्डन हो गया है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया टोमेटो, और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च हमने ऐड किया चॉप किया हुआ, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। धनिया पाउडर हमने 2 टेबलस्पून ऐड किया, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर हमने ऐड किया यहाँ पे 1/2 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। थोड़ी सी ग्रीन चिली हमने स्लेट करके ऐड की है इसमें। देखिए, इन मसालों को अच्छे से भुनना है। टमाटो ऐड किया इसलिए उसके साथ सॉल्ट ऐड करना जरूरी होता है। अब इसको ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो। लो फ्लेम पे हमें इसे 7 से 8 मिनट तक कुक करना है। देखिए, 7 से 8 मिनट हो गए हैं और टोमेटो जो है वो गलने लगा, उसका पानी रिलीज हुआ है। हमने अभी तक पानी ऐड नहीं किया उसमें, तो जो सॉल्ट ऐड किया उसके कारण और ये मसाले और टोमेटो अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए, अच्छी सी खुशबू आ रही है। अभी हमें इसे और गलाना है ताकि ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। तो जो पानी ऐड करेंगे वो गर्म पानी है, गर्म करके रखा हमने पानी पहले से ही। तो गर्म पानी ऐड करेंगे और फिर इसको ढककर 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे, जब तक कि ऑयल रिलीज ना हो जाए। तो ये बहुत थोड़ा सा गर्म पानी हम ऐड कर रहे हैं इसमें, ताकि ये जो मसाले हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और थिक हो जाए। टोमेटो अच्छे से इसमें गल के, और ऑनियन, गार्लिक, जिंजर अच्छे से गल के बिल्कुल इकसार हो जाए। तो ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी और ऐड किया हमने। आप देख सकते हैं कितना कम पानी है, बस इसी में इसको पकना है। तो लो फ्लेम पे इसको ढककर हमें 5 से 7 मिनट और कुक करना है। 5 से 7 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए, 7 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है, और आप देख सकते हैं मसाला जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और आप देखिए कितना थिक हो गया है। तो सारी चीजें आपस में मिल गई हैं, अच्छे से थिक हो गई हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे से थिक हुई हैं। तो ये सारे मसाले आपस में अच्छे से कुक हो गए, इनका कच्चापन बिल्कुल निकल चुका है। तो ये जो भुनाई है ये इम्पोर्टेंट है। इस भुनाई के बाद जो हमारा मसाला है वो बहुत टेस्टी हो जाता है। अब हम इसमें, ये देखिए, हमने धो के रखा है 1 किलो ये कलेजी है, चिकन कलेजी, जिसको अच्छे से वॉश करके रखा है। छोटे छोटे हैं इसलिए हम इनको इसी तरह से ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको भी पीसेस में कट कर सकते हैं, छोटे छोटे और छोटे कर सकते हैं। ये देखिए, 1 किलो चिकन कलेजी है, तो 1 किलो कलेजी हम ऐड कर रहे हैं। बहुत अच्छे से वॉश किया है कलेजी को, बहुत अच्छे से वॉश करना जरूरी है। और गर्म पानी में, गुनगुने पानी में हमने इसको थोड़ी देर रखा था, जिससे इसमें एक स्मेल होती है वो निकल जाती है। कई बार होता है कि एक स्मेल आती है कलेजी में,
तो उसको निकालना जरूरी है। तो अब देखिए इसको हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। अभी इसी मसाले में हमें इस कलेजी को पकाना है। कलेजी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको कुक होने में। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि फ्लेम को मीडियम या लो पे रखें, हाई नहीं करना है, मीडियम या लो फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। तो ये सॉफ्ट रहेंगे और ढक के पकाना है, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट रहेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। तो देखिए अच्छे से हमने सारे मसाले मिक्स कर दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे फेंटी हुई दही। तो ये थिक दही है, ये हम तकरीबन 150 ml हम ऐड कर रहे हैं दही। ये देखिए तकरीबन 150 ml हम दही ऐड कर रहे हैं, वो भी थिक जो है गाढ़ी दही हम ऐड कर रहे हैं। और साथ में स्लिट किए हुए 3 हरी मिर्च हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना है। ये जो दही है इसी का पानी छूटेगा और इसी के पानी में ये पक जाएगा। हमें एक्स्ट्रा इसमें और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। तो इसी के पानी में ये अच्छे से कुक हो जाएगा, पक जाएगा। इसको पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो 15 से 20 मिनट में ये कलेजी अच्छे से पक जाएगी। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि ये कितना पका है। तो बीच बीच में चेक करके हम खोल कर हम देखेंगे कि ये कितना कुक हुआ है और सारे मसाले अच्छे से कुक हुए हैं नहीं, ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक। तो ढक दिया हमने, अब 15 से 20 मिनट हमें पकाना है। देखिए 10 मिनट बाद हम देखते हैं। तो ये देखिए कितना जो कलेजी ने अपना पानी रिलीज किया और दही का पानी रिलीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं वही पानी है, एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मीडियम फ्लेम है अभी। तो ये मीडियम फ्लेम पे ही कुक हो रहा है अभी, और जैसे हम इसको ढकेंगे तो इसका फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। तो मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। देखिए 5 मिनट बाद हमने फिर खोला इसको, यानी टोटल अभी 15 मिनट हो चुके हैं और कलेजी अच्छे से पक गई है लगभग। अब ये जो पानी है इसको हमें थोड़ा सा ड्राई करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं मसाला ड्राई वाली। तो ड्राई वाले के लिए हमें इसको थोड़ा सा पानी को और पकाना है, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और कुक होगा। 5 मिनट हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो देखिए पानी बहुत कम रह गया है और ये अब अच्छे से कुक होने को है। जो कलेजी है वो अच्छे से कुक हो रही है। फ्रेंड्स जो नॉन वेज है उसमें पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। एकदम से आप हाई फ्लेम कर दोगे तो वो अच्छे से कुक नहीं होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और हार्ड हो जाएगा, खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है कि नॉन वेज को थोड़ा आप मीडियम या लो फ्लेम पे ही कुक करें। बिल्कुल स्टू की तरह पकता है तो उसमें टेस्ट फ्लेवर सब रिलीज होता है। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला। यहाँ पे हम 1.5 टीस्पून गरम मसाला हमने ऐड किया। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। खूब सारी कसूरी मेथी हाथों से रगड़कर हमने ऐड कर दी है। तो ये ड्राई कसूरी मेथी है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और अब इसको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो कि मसाला काफी थिक हो गया है और इसको अब भुनाई करनी है मसाले की। कलेजी के साथ ये भुनाई होगी और बिल्कुल जो है ऑयल सेपरेट होगा, तब तक इसको भुनना है। ये देखिए अब हम इसको लेड नहीं लगाएंगे, बिना लेड लगाए अब इसको पकाना है, क्योंकि अब ये अच्छे से पकने को है। बस ये मसाला और जो कलेजी है ये आपस में मिक्स हो जाए और अच्छे से भुनाई हो जाए। देखिए पानी जो है जितना रिलीज किया था कलेजी ने और दही ने, वो सब ड्राई हो चुका है और अब ये थिक जो है मसाला हो चुका है। आप देख सकते हो, आप इसको इस स्टेज पे भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ अभी भुनाई नहीं हुई है। तो इसको हमने टेस्ट करके देखा तो नमक हमें बिल्कुल ठीक लगा, मसाले वगैरह सब बिल्कुल ठीक हैं, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको लगे कि कम है तो आप यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम मिक्स कर रहे हैं अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, ये देखिए। और अब थिकनेस आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है। आप देख सकते हो ऑयल दिखाई देने लगा है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती है, जब आप कलेजी को भूनते हो तो कम ऑयल में भी आप उसे भून सकते हो, लेकिन मटन चिकन भूनते वक्त ऑयल की ज्यादा जरूरत होती है। कलेजी में आप थोड़ा कम ऑयल भी यूज कर सकते हो, यदि आप कम खाते हो तो कम यूज करो, और यदि ज्यादा खाते हो तो ज्यादा यूज करो। अब हमने ऐड कर दिए यहाँ पे चॉप किया हुआ कोरिएंडर, इसकी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में हम फिनिश करते हैं इससे, थोड़े से हम ग्रीन चिली भी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा तीखापन भी आएगा इसमें। तो इन सब के साथ में इसको अच्छे से भून लेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये जो कोरिएंडर लीव्स है इसका फ्लेवर आएगा इसमें अच्छे से। थोड़े से हरे ऑनियन, ग्रीन ऑनियन भी ऐड कर दिया हमने चॉप किया हुआ, बारीक चॉप किया हुआ ग्रीन ऑनियन ऐड कर दिया हमने। और ये हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे बरिस्ता, हमने ऑनियन स्लाइसेस को अच्छे से भून के बरिस्ता रेडी कर लिया था। तो ये बरिस्ता थोड़ा सा मिठास भरता है इसमें और एक अलग अच्छा टेस्ट आता है, तो बरिस्ता जरूर आप इसमें ऐड करें यदि आप ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा मिठास चाहते हैं तो जरूर बरिस्ता ऐड करें, और एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है बरिस्ता ऐड करने से। तो चिकन मटन की खासियत होती है कि उसमें जो कैरमलाइज ऑनियन होता है वो बहुत अच्छा टेस्ट भर देता है। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हुआ है काफी, और मसाला बहुत अच्छे से थिक हो गया है, और इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं शुगर यानी चीनी, तो ये 1 टेबल स्पून हमने चीनी ऐड किया। चीनी क्या करेगा, इसके सारे फ्लेवर को मिक्स कर देगा, और साथ में ऐड करेंगे घी। तो ये देसी घी ऐड कर दिया हमने, देसी घी शुगर हम बाद में ऐड करते हैं जिससे उनका फ्लेवर बना रहे। तो देखिए ये अच्छे से भून के तैयार हो गया, अब आप इसका कलर देख सकते हैं, कैरमलाइज ऑनियन यानी जो बरिस्ता हमने ऐड किया उसने एक अच्छा सा कलर भर दिया इसमें। तो आप देख सकते हैं हमारा स्पेशल चिकन कलेजी यानी चिकन लीवर मसाला, थोड़ा सा कोरिएंडर और जाएगा, फिनिश करेंगे इसके साथ में हम। और ये देखिए बन के रेडी है हमारा यम्मी डिलीशियस चिकन लीवर मसाला एंड चिकन कलेजी मसाला। इसे पराठों के साथ खाइए, बहुत अमेजिंग लगता है, सबसे ज्यादा टेस्ट आता है पराठों के साथ। इसके अलावा आप पूड़ियों के साथ भी अच्छा लगेगा, और राइस में दाल यदि है साथ में तो बहुत अमेजिंग होता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, अच्छी लगी ना? यदि आपको हमारी रेसिपी आज की अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। और जो फ्रेंड चुपके चुपके देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कमेंट नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे और आप बनाएंगे हमारी अमेजिंग रेसिपी। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब पहले कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम लाते हैं आपके लिए हमेशा डिलीशियस रेसिपीज, तो डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए मैजिक किचन हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके पास है। सो फ्रेंड्स बनाइए अमेजिंग रेसिपी आज की, हम लाते हैं आपके लिए फिर नई रेसिपी, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी शेफ कृष्णा के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।